प्रेम तो बच्चा के जन्म देवे के ही खिलाफ रहे। ऐसे में हम रवा लोगन के पास आके रहती तब तब प्रेम हमरा की शायद माई बने दे। यही खाती हम फैसला के लिए कि जबले हम माई नहीं की बन जाते सबसे अलग रही बच्चा के जन्म दे थी हम वापस आ जाए ये हमार वादा बा। रवा लोगन से एक बार फिर से माफी मांगता नहीं और प्रार्थना करता नहीं कि हमरा के ढूंढे के कोशिश मत करी। और नहीं हमने ससुराल वालन के कुछ कही बच्चा की किलकारी सुना के हम सबके मन बदल दे। वो लोग अपन ख्याल रखी रार मधु जन्म मरण बिछुड़ल मिलन सब मात हाथ हो तोरे। जन्म मरण बिछुड़ल मिलन सब मात हाथ हो तोरे। ना देखा तू दुख है मोई के बेटी से मिलो दायकरे। हमरा के मालूम रहे मैडम, हमरा के मालूम रहे कि दामाद जी ना ही सुधरल बाड़न। प्रवा झूठ बोल के हमनी के पूछना रहल बानी। बेचारी मधु, पता ना वो लोग का जुल्म ढाईले हुए बेचारी पे। हम ऐसे चुप ना बैठा मालिक, हम उस सब के जेल के हवा खिला के छोड़ा। नारायण जी, कारी नारायण जी, रोवा ऐजा रुक जाए, रोवा चित्रा का ख्याल रखे। हमार घर के नमक खाते हमरे साथ नमक हरामी कैले बाड़न ये लोग। अरे मधु के अनुरोध कैला से का हुई? आज न तो कल, आज न तो कल मधु के उहे घर में जिए के बाद अगर आज हम इनकरा के छोड़ दे इनकर मन और बढ़ जाए, इनकर मन और बढ़ जाए नारायण जी। और बीदी के खेल निराली अनहोनी होनी हो जाला बिन जकर मुश्किल हाजियन मालिक, कौन फोन उठाई लहे का? ये तू लोग बहुत बुरा कहले बड़ा प्रेम। कहाँ भाई मालिक? ज़्यादा अनजान बने के कोशिश मत करा। तोहरे घर में तोहरे परिवार के लोग
हमार मधु के संगे कैसन सुलूक करत रहल तोरा के पता ही न चलल हो कि। और बात का मालिक, आज भोरे मधु के चिट्ठी मिलल बा, ओकरा में लिखले भी कि तू लोग कैसन कैसन जुलूम ढालत रहल ओकरा ऊपर, अरे अब आगा प्रेम ओकर पति ओकरा के प्रसारित करत रहे, ओकरा के मजबूर करत रहल बच्चा गिराबे खातिर, एही से वो ये घर से भाग गए। हम चाहे ना अब ही क्या रहे तू लोगन के जेल के अंदर करवा सकेला, पर मधु हमरा से प्रार्थना के लिए भी एक हम तू लोगन के कुछ ना कहे ओकरा के अभियो विश्वास बा कि वो तू लोगन के बदल सकेले। और तोहार इतना अत्याचार बर्दाश्त केला के बाद भी, अरे पागल तोहरे साथे जीव जात भी है। और हाँ मिसर, अगर ये दौरान मधु के कुछ हो गए या आज से 6 महीना के अंदर अंदर वो ना लौट के आई तो देखिया भी संध्या, देखिया कि हम का गुल खिलावत आने। अगर ये दौरान मधु के कुछ हो गए या आज से 6 महीना के अंदर अंदर वो ना लौट के आई तो देखिया भी संध्या, देखिया कि हम का गुल खिलावत आने। और हाँ तारा के पाले पोसले का अफसोस हमारा के जिंदगी भर रही। बहुत बुरा केला प्रेम, बहुत बुरा। मालिक देखला नतीजा, हम तो हासिल कह रहे लड़की से ब्याह मत करा, लेकिन तू ना ही मनला। अरे जन्म से लेके आज तक जौन जौन के घर में गई वो जगा भाई केहू तो सुखी नहीं हो जा। अब अपन घर के बारी बा, इनकर पहुंच और पैसा के आगे हमने कुछ ना कर पाई जाई। भगवान ने करें अगर वगैरह कुछ हो गए तब जेल जाएगा थे तैयार रहिए तू लोग। मधु अचानक इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकेली? हमरा के दाल में कुछ काला नजर आ रहा। तोहरा दाल काला नजर आवे चाहे पीला छोड़ा हो। इकरा पहले के संजय अंकल अपन सब संपत्ति तोहरा से छीन लेवे, वो सब बेच बाज के हमार ब्याह करवा दा। हाँ बिशन देव के शायद पता रहा है कि ओकर घर वाले मधु के साथ गलत व्यवहार करत पड़ा, यही से वो हमरा के पुलिस में जाए से रोकत रहा। थोड़ा बहुत झगड़ा झंझट तो हर घर में होखेला, लेकिन ये सब सुन के तो हमरा के लगा था कि मधु प्रेम के व्यवहार से ज्यादा दुखी रहा। साहब के किकरा से का कहलस का ना इतबात के बात बा, लेकिन एक तरह से मधु के अकेले तो नहीं छोड़ा जा सकेला, खास करके तब जब वो पेट से पिया। साहब हमने सब मिल के एकरा के ढूंढ निकाली तब अच्छा होगी, रुआ के यहां ज्यादा रहल भी कोनो खास सहेली जेकरा घरे वो जा सके ले।
कॉलेज के बाद सीधा घरे आ जात रह लिए। ज्यादातर समय तो कर दोपहर के संगे ही बीतत रहा। फिर मालिक वो राव दोस्त इंस्पेक्टर साहब से कहके मधु के ढूंढवावे की कोशिश करी लो। नहीं नारायण, जब मधु ढूंढने से मना के लिए भी आता ये सब कह के ओकर दिल और दुखावे की कोनो जरूरत नहीं थे। और फिर 6-7 महीना तक देखते देखते गुजर जाए, हमने के चुपचाप मधु के लौटे के इंतजार करे के चाहिए। लेकिन साहब, चित्रा, रंजना मैडम और हम तब तक कैसे रह पाए? जेकरे लौट आवे के कोनो संभावना ही नहीं थे, ओकरे बिना भी हम जियत बानी की ना। और फिर मधु तो कुछ दिन में ही लौट आई। हाँ, तू चाहता पुलिस के बिना ही हमने मधु के अपने स्तर से खोजे की कोशिश कर जाए? जी साहब, जैसन रुआ ठीक समझे। साहब जी, चित्रा जाग गई होगी, पता ना हम उकरा कैसे समझा पाए। चला था नहीं साहब जी। देख लो वहां हमार शक एकदम सही छले। ससुराल वाला सब तंग भ क ही मधु घर छोड़ कर भाग गेल। आब अहाँ हमरा शक कियो कि नहीं कहब? हाँ, एक बार शक सही हो गए एकर मतलब ही ना है कि हर बार शक सही हो जाए। हम बार बार ये बात के दोहराए कि शक बसल बसावल परिवार के उजाड़ देला, बांट देला। चित्रा कैसे बाली मैडम, उठल की नहीं? हम ओकरा के सब कुछ समझा देले बानी, वही जा बैठ के सुकत भी हम जाए जाके मिल ले। जी मैडम, एक मिनट, एक मिनट नारायण जी। रुआ शायद राजेश के घरे जाके आराम बानी। हाँ ना? जी, कल रात में ऊंचा आवाज में बात कर ली ले रही, अब फिर मधु के चिट्ठी वाला बात भी बतावे के रहल यही से। तो साफ साफ काहे नहीं कहता नहीं कि रुआ मधु के ढूंढे में अगर मदद मांगे गेल रही तो का गलत कर दे लनी? तू चुप रहा, हम इनकरा से बात करता नहीं। नारायण जी, बिशनदेव काल का कहले रहे? राजेश ओकरा से का कहले रहे रुआ भुला गए नहीं सर? कि रुआ से ज्यादा मधु के वो राजेश प्यार करेला। रुआ बाप बानी तो का भेल, पालले पोसले तो राजेश बा। इतना सब सुन लेला के बाद भी रुआ ओकरा से मिले चल गए नहीं? शर्मावे के चाहे, शर्म आवे के चाहे रुआ के। साहिब, ई बखत रुआ और राजेश जी के झगड़ा में उलझे के नहीं थे, हमार बेटी के हमरा से भी ज्यादा प्यार अकरू करेलन, तो ये हमार खुश नसीबी बा। हमार रुआ से प्रार्थना बा कि रुआ राजेश जी के युवा हमार जाए के बुरा ना मानी और राजेश जी से दुश्मनी भुला के मधु के ढूंढने में मदद करें। इन घर से बेकार बात कहले से कुछ नहीं होके वाला। इन घर खातिर
राजेश के दुश्मनी से बढ़ के और कुछ हो नहीं के, ना हम ना रउआ और ना मधु। जय नारायण जी, रउआ जाके चित्रा के समझाए। कब किकरा के का बोले के चाहिए और का ना, यो समझ नहीं के। काश मधु हमरा के भी आपन साथ ले गई हो। अगर सुधा के बड़का पापा ई विवाह के लेल मायन गेला त समझब हम सब आधा बाजी मार लेलौं। अगर हुआ कहब त हम सुधा के ताऊ ताई से बात कह सकेनी। या हर हाल में हो के ताऊ जी, हर हाल में।